जलंधर में आज आस्था का सैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं द्वारा गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भक्ति में डूबे हुए श्रद्धालुओं द्वारा शब्द कीर्तन किया जा रहा था। हर कोई भक्ति के रंगों में सरोवर नजर आ रहा था। इस मौके जलंधर के सांसद संतोष चौधरी ने गुरु महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर बधाई दी और कहा कि सूबे की विधानसभा में आदमपुर के डोमेस्टिक एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव पहले ही पेश हो चुका है। वहीं अगर केंद्र में उनकी सरकार फिर वापस आती है तो आदमपुर डोमेस्टिक एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाएगा। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। और इस संबंध में गुरु रविदास शोभा यात्रा लगाई गई जेडी के सारे ही शहर के मैं परिक्रमा करेंगे और गुरु रविदास जी की योगदान द्वारा जो उन्होंने बाणी करता करेंगे शोभा यात्रा इस वे बहुत भारी गिनती हुई ठंडा जो शहर के लोग आए और अध्यात्मता जो सामता और मैं समझता कि बहुत लंबे अरसे तो 1935 तो एक सभा यात्रा मास्टर हरमंदर ने शुरू कराई थी गुरुदास नौजवान सभा बनाई थी और उसको आज तक लगातार बहुत बड़े पद्धत से गुरुदास होता है सभा यात्रा जाएगी शहर में चली जाई जाती है इसमें सारे शहर के लोग शामिल होते सारे बाजार बड़े अच्छे तरीके से सजाए गए और थां जो स्टेजा लगाई गई जिसको गुरुदास जी की बाणी का जो गायन हो रहे तो अब मैं समझता कि इस धरती का बहुत शुभ दिन है और साड़ी हमेशा कोशिश रही कि असी गुरुदास जी की जी बाणी है उसके मुताबिक चलते हुए अपने समाज में अपने देश में अच्छा माहौल रखिए आपसी भाईचारे को मजबूत करिए आपसी बराबरी का जरा संदेश है उससे पहरा देंगे और जो गुरुदास जी महाराज जी ने बेगमपुरा अपने श्लोक में अपने बाणी किया है कि ऐसा शहर हो ऐसा देश हो गए जिससे कोई दुख तकलीफ ना हो सारे बराबर हों और जो उत्थे का नागरिक हो कोई दूसरे साथी हो शहर रविदास कला हमारा जो हम शहर की जो पीड़ा हमारा गुरुदास जी मंदिर है तो साढ़े यत्न यही है कि उस माहौल के सारा देश रहे और सर कुछ खास अनाउंसमेंट थोड़े वालों एज सांसद तुम इतने रिप्रजेंट कर रहे हो खास कोई अनाउंसमेंट अगर करनी नहीं ये शोभा यात्रा में अनाउंसमेंट तक ही करनी है जो कुछ साढ़े को गुरु नानक जी का दिता है और असी कोशिश कर रहे हैं शहर में जलंधर शहर शोभा यात्रा कर रही जलंधर शहर स्मार्ट बनाने का यत्न कर रहे बहुत बड़ी रकम इतने लगा रहे बड़िया 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 चीज़ा लिया आदमपुर एयरपोर्ट लिया असी उसकी भी कोशिश कर रहे हैं गुरु रविदास जी के नाम से उसका नाम रखे जाए असं कोशिश कर रहे हैं टर्मिनल है उसका मूव किया और उसका जी पंजाब विधानसभा के रजिस्ट्रेशन भी पास किया और रजिस्ट्रेशन अभी नवी सरकार बने उस लैके जावे और कोशिश करेंगे उसका नाम गुरु रविदास जी नाम क्योंकि दुआबे बहुत भारी गिनती में गुरु रविदास नाम के बच्चे लोग उन्होंने नाँ से अनेक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं शहर में गुरु रविदास बोलिया मैंने की गुवाड़े में टेक्निकल एजुकेशन ये सारी साढ़े परिवार की जी कोशिश है कि उन्होंने नाँ अगे लियाइए और उन्होंने बाणी से चलते हुए उन्होंने विचारधारा जरा उसका प्रसार